This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल. अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन छह बातों का जरूर रखें ध्यान. जोश और जज्बे से भरे युवाओं में इन दिनों अपना बिजनेस का करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है. बड़ी संख्या में युवा इसके लिए अपनी जॉब छोड़ने तक का साहसिक फैसला कर रहे हैं. हालांकि एंटरप्रेन्योर बनने की राह आसान नहीं होती है. इस राह में कई चुनौतियां आती हैं जिनका सफलतापूर्वक सामना सिर्फ वही कर सकते हैं जो पहले से उनके लिए तैयार होते हैं. अधिकांश सर्वे बताते हैं कि 10 नए वेंचर में से एक ही सफल हो पाता है. ऐसे में अपना बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है. हम आज ऐसे उत्साही युवाओं के लिए कुछ ज़रूरी फाइनेंशियल टिप्स यहाँ दे रहे हैं जिनसे उद्यमिता की उनकी राह आसान हो सकती है. टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का बोलबाला. पढ़े लिखे युवा सबसे अधिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में हाथ आजमा रहे हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार देश में इस समय टेक्नो स्टार्टअप्स की संख्या 19,000 से अधिक है. ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है और इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है. इस सेक्टर में तरक्की की संभावनाएं हैं. कुछ महीनों या साल में ही टेक्नोलॉजी कंपनी कई गुना बढ़ जाती है. 3 साल का बजट जरूरी. अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 साल का बजट होना चाहिए. इस क्रम में अपने हाउसिंग, फूड, कपड़े और ट्रांसपोर्टेशन जैसी जरूरतों का मूल्यांकन ईमानदारी से करें. कम रखें अपने खर्च. चूंकि शुरुआती महीनों में आपकी कीमत इनकम सीमित होती है, ऐसे में अपने खर्चों को सीमित रखना और पैसों का बेहतर इस्तेमाल जरूरी है. अगर आपको आपने लोन ले रखा है तो कोशिश करें कि उसकी ब्याज दर और EMI कम हो. इस क्रम में छोटे अपार्टमेंट में रहना, 2 की जगह 1 कार का उपयोग, शेयर टैक्सी का प्रयोग, होटल में खाने और ड्रिंक के कम खर्च आदि का ध्यान रखना चाहिए. अपने बजट या खर्चे की निगरानी के लिए आप मैनेजमेंट ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं. हालांकि बेहद छोटे छोटे खर्चों से भी बहुत दबाव महसूस नहीं करना चाहिए. पर्याप्त इंश्योरेंस लें. भले ही जॉब के दौरान आपको अधिक इंश्योरेंस की जरूरत नहीं हो या फिर आपकी कंपनी ने आपको पॉलिसी दे रखी हो, लेकिन अगर आप सारा कुछ खुद के भरोसे ही कर रहे हैं तो आपको पर्याप्त इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए. कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ कवर जरूर ले. फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी जरूरी है. अपने वर्तमान निवेश को बनाए रखें. अगर आपके पास पहले से कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक इन्वेस्टमेंट है तो उसे बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए. अगर संभव हो तो अपनी SIP को भी नहीं रोके, क्योंकि आपका निवेश लॉन्ग टर्म का है जिससे बेहतर रिटर्न आ सकते हैं. टैक्स छूट की भी होनी चाहिए प्लानिंग. चूंकि अब आप जॉब में नहीं हैं, ऐसे में EPF अब आपके पास नहीं होगा, इसलिए आपको टैक्स सेविंग का भी उचित प्लानिंग करनी चाहिए. इसके लिए आप ELSS टैक्स सेविंग प्लान ले सकते हैं. अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से ब्रोकर से डायरेक्ट प्लान्स में डालें. इससे हर साल कमीशन कॉस्ट के रूप में आप 1.5% तक बचा सकते हैं.